प्रकार के काम कर दिए थे कि कोई देवल दे इसलिए कूद जाती है कि उसका पिता युद्ध कर सके, कोई हीरा दे इसलिए पति को मार देती है कि विश्वासघात सहन नहीं हुआ उस महिला से। हम आगे कई बातें और पढ़ेंगे कि कोई महिला इसलिए अपना सिर काट के खुद दे देती है ताकि उसका पति लड़ाई कर ले। हम पढ़ेंगे कि कोई रानी इसलिए अपने किले के दरवाजे बंद करवा देती है कि उसका पति युद्ध से हार कर वापस आया है। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों एग्जाम्पल है। अपने वीर सत्सई का एक दोहा है कि सूत रण चालू सूत भागियो, रण चालू, रण का मतलब क्या था, युद्ध, युद्ध चालू है सूत भागियो, बेटा भाग के वापस आ गया। युद्ध के अंदर कोई एक बंदा गया हुआ है और बंदा युद्ध के अंदर भाग के वापस आ गया, क्यों, कि घावा लथपथ था है, घावों से लथपथ हो गया था, घायल हो गया बहुत ज्यादा, उसको लगा मर जाऊंगा यार और मरने से अच्छा है मैं यहां से भाग जाऊं। रण चालू सूत भागियो, घावा लथपथ था है, युद्ध चालू था उसके बावजूद बेटा भागकर आ गया क्योंकि वो घायल होने के बाद डर गया था, मौत से डर लगा। मायड़ हांचड़ बाडियान धन चूड़ो चटका है। जब ये समाचार उसके घर पे आए कि वो भागकर वापस आ गया, उसकी मां ने अपने स्तनों को काटकर फेंक दिया था, ये शर्मिंदा हूं इस बात पर कि मैंने कभी तुझे यहां से दूध पिलाया था, उसकी पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि तेरे से अच्छा है पति हो ही ना। ऐसे एग्जाम्पल केवल और केवल राजस्थान के अंदर है, बाकी आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। यहां अपने सूर्यमल मिशन बहुत साधारण तरीके से कहलवा देते हैं कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही है और एक सहेली दूसरी सहेली को कहती है कि तुम्हारे पति दिखाई नहीं दिए कई दिन हो गए, और उसने कहा कि वो मेरे पति युद्ध करने के लिए गए हुए, तीन दिन हो गए युद्ध के अंदर गए हुए, क्या समाचार है युद्ध के, तो उसने कहा कोई समाचार आए नहीं, जीत हार के समाचार नहीं, तो जिंदगी मौत के समाचार, उसने कहा नहीं। इतने में दूसरी वाली सहेली कहती है कि उधर देखो उस गांव में ऊपर आसमान में रंग पूरा लाल दिखाई दे रहा है, आसमान का बादल पूरे लाल लाल हो रखे और मुझे लगता है उधर आग लग गई किसी गांव में और आग की वजह से लपटें ऊपर गई, लपटें गई तो आसमान कैसा दिखाई देने लग गया, लाल दिखाई देने लग गया। वो सहेली जिसका पति युद्ध करने के लिए गया है वो निश्चिंत रूप से खड़ी होती हुई कहती है, तो उसकी पहली लाइन है, वो जो सहेली जो आग देखती है वो कहती है कि हेली देखो आज किम अंबर दिस है आग, हेली मतलब सहेली, देखो आज किम, देखो आज किस प्रकार अंबर दिस है आग, अंबर मतलब आसमान, आसमान में सहेली आज किस प्रकार की आग दिखाई दे रही है। वो दूसरे वाले जिसका पति युद्ध में वो लड़ने के लिए गया वो कहती है आग नहीं है, सुरगा पी उसी धाउन तान जड़द जकोली खाग, मुझे लगता है मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इतना मारा होगा दुश्मनों को, इतना भयंकर मारा होगा कि उनकी तलवार पूरी खून से लाल हो गई होगी, इसलिए स्वर्ग लोक में जाते समय बीच में बादलों में तलवार साफ की है, इसलिए तलवार के खून से बादलों के पानी को कैसे कर दिया होगा उन्होंने लाल। ऐसे एग्जाम्पल केवल राजस्थान के साहित्य में, मुझे दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्य में किसी महिला के मुख से वीरता के इस कदर की बात सुना दी जाए ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने वास्तव में महिलाएं बहादुर थी इसलिए पुरुष अपने आप ही बहादुर हो गया, वरना दुनिया का आदमी हमेशा लिचड़ रहा है, लिचड़ है, लिचड़ रहेगा, आदमी में ज्यादा कोई लखन रहे नहीं है। महिलाओं ने प्रेरित किया अपने यहां की महिलाओं को, इसलिए इस कदर की कहानियां सामने आ गई कि अपने कोई 50 आदमी जाके 1500 से लड़के आ गए, जब वो 50 आदमी गए होंगे तो पता होगा ना मरेंगे, तब किसी महिला ने कहा होगा कि तू भले ही मर जाना लेकिन गायों की रक्षा और मंदिर की रक्षा करनी जरूरी है, तो परिवार कौन संभाले, उसने मैं देख लूंगी तू निश्चित होके जा, तब किसी महिला ने उसको तिलक लगा के भेजा होगा कि मर जाना लेकिन वापस मत आना वरना मैं मर जाऊंगी तेरे आने से पहले, और इस बात को मैं सहन कैसे कर पाऊंगी कि मेरा पति युद्ध में से वापस आ गया था, तो अगला बंदा निश्चिंत होकर जाया करता था, कोई नहीं, घर की तरफ से तो अपने को टेंशन है नहीं। मुझे लगता है आजकल अपने ये महिलाओं वाला ढांचा गड़बड़ाया है और अब मतलब वो बहादुरी नजर ही नहीं आती, उल्टा अब यदि पड़ोस के अंदर लड़ाई हो रही है और पति केवल बाहर खड़ा खड़ा देखता रहे तो महिला कहती है कि थे अपन मैं ना जाओ थे पर ना जाओ, तो अब मामला फिर गड़बड़ा है भाई है, तो बाद में फिर वो चीजें देखने को भी नहीं मिलती। आप भारत के किसी कोने में चले जाओ और आप जैसे कहते हो मैं राजस्थान का हूं, अगले बंदे का फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपके बारे में व्यू निकल गया है वो लगता है आप वीर हो, आप बहादुर हो, और अरे वेरी गुड राजस्थान के हो, यूपी बिहार वालों को किसी को आप कि मैं राजस्थान का हूं, बहादुर आदमी हो आप, अंदर ही अंदर मन ही मन सोचोगे ना लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले चप्पलें मैं लूं आत्म, मैं रास्ते देखता हूं कि किधर से भागा जा सकता है, मैं बहादुर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी बहादुरी की बातें की जाती है क्योंकि आपके पूर्वज बहादुर थे, वो पूर्वज इसलिए बहादुर थे कि उनकी माएं बहनें और पत्नियां बहुत ज्यादा बहादुर हो गई थी, वो इतनी बहादुर थी कि पूर्वज बाद में लड़ी लिए
बाद में लड़ाइयां करनी पड़ी, बाकी दुनिया में ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए बाकी दुनिया की कहानियां इस प्रकार की रोमांचित करने वाली नहीं है जिस प्रकार की आपकी कहानियां यहां की रही है। तो बीका दैया को मारने वाली उसका महिला का नाम क्या था? और समाज को हमेशा महिलाएं तय करती है, समाज का चरित्र महिलाओं के चरित्र से निर्धारित होता है, समाज में जिस प्रकार की महिलाएं रही है वैसा समाज रहा है। मैं आप भी कई बार हंसता रहता हूं कि यार भ्रष्टाचार दूर करने का जिम्मा महिलाओं को उठाना पड़ेगा, पुरुषों से आज दूर हो कल दूर हो। एक दिन कोई महिला जिसका पति भ्रष्टाचार करके रिश्वत लेके घर पे आए, हीरा दे बन जाए, क्या बन जाए? आदमी की हिम्मत नहीं है दोबारा कभी रिश्वत लेने, पर अब हीरा दे बना नहीं जाता। अब उल्टे ही महिला ही कह देती है कि क्या होगा तुम्हारे वाले तनख्वाह से, है ना, ये 35-36 हजार रुपए लेके आते हो, थोड़ी कोई ऊपर की कमाई होनी चाहिए, इतने में मेरे मेकअप का सामान ही नहीं आता। तो आदमी फिर सोचता है कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पार मारना पड़ेगा, इसलिए हे लड़कियों, तुम पर समाज की महती जिम्मेदारी है कि भविष्य का समाज कैसा होगा इसका निर्धारण कौन करेगी? महिलाएं करेगी। मैं काहे करूंगा, आप नहीं, महिलाएं करेंगी, हम करेंगे, ऐसे बोलो जोर से, हाँ भाई हम करेंगे। तो महिलाएं जैसी होगी समाज का चरित्र वैसा ही हो जाएगा। तो महिलाओं को ये सब बीड़े उठाने पड़ेंगे, वरना पुरुष में ज्यादा लक्षण है नहीं, वो बेलक्षण ही है, तो उससे तो आज हो कल हो कुछ, तो आप करोगी तब ये सब चीजें हो जाएगी। मैं 12th पास करके फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता, तो मेरे पास में एक भैया रहा करते, वो उस टाइम कोई थानेदार की एक वैकेंसी आ रखी थी, उस थानेदार की वैकेंसी की तैयारी किया करते। तो वो मैं थोड़ा जीके वीके थोड़ी अच्छी थी पहले से, राजस्थान वगैरह ये चीजें थोड़ी जानता था, राजस्थान तो नहीं मैं नॉर्मल यूं जीके का जो होता था मैं थोड़ा ठीक ही जानता था। तो उन भैया से मैं आता जाता कभी क्वेश्चन पूछ लेता, यार भैया ये इस सवाल का जवाब बताओ देखिए क्या था। तो उन भैया को लगने लग गया यार ये टावर ठीक है यार, ए तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही पर ये जीके वीके ठीक जानता है। तो डेली मेरे पास शाम को 15-20 मिनट खाना खाने के बाद वॉकिंग वॉकिंग जाते, तो वो मेरे पास आने लग गए, हम आता ही करने लग गए, थोड़ा और पता चला। तो मैंने कहा भैया मैं करवाऊँ आपकी तैयारी, तू कैसे करवाएगा? मैं आप तो दिन में जो भी पढ़ो शाम को मेरे पास लेके आ जाया करो, मैं निकम्मा ही बैठा हूँ, मैं कुछ करता तो नहीं, और मैं आपसे पूछ लूंगा, सवाल पूछूंगा। तूने कहा ठीक हो जाए यार, मेरे तू रिविजन करवा दे। हाँ मैं रिविजन करवा दूंगा। तो डेली भैया मेरे पास वो नोट्स लेके आते कि आज भाई मैंने ये 5 पेज पढ़े, ये साइंस में ये पढ़ा, ये हिंदी में ये पढ़ा, तू मेरे से पूछ ले, और मैं भैया से पूछ लेता। और टावर होते तब आपको किसी को सवाल पूछने में भी मजे आते हैं और सवालों में फंसाने में भी मजे आते हैं। तो मैं भैया को ऐसे ऐसे टप टप सवाल पूछता, भैया फंस जाए, और भैया फंस जाते तब मैं उनके मजे ले लेता, बाद में नहीं आ रहा है कुछ भी, तैयारी करो और करो। एक दिन भैया मेरे पास बुक लेके आए, 2-3 नोट्स लेके आए, उन्होंने 1 घंटे तक मैंने उनसे सवाल पूछे, मेरे जी जान लगा के सवाल पूछे, पर भैया फंसे नहीं उस दिन। लास्ट टाइम मैंने सरेंडर किया, भैया अब आपकी तैयारी तगड़ी होगी भैया, अब तो आप पक्का सिलेक्शन हो जाएगा आपका। भैया ने कहा हाँ यार अब मुझे भी लगता है कि इस बार मैं थानेदार बन जाऊंगा, और तेरा भाई एक बार थानेदार बन जाए बात तू चिंता मत करना, तू घर से पैसे वैसे मत मंगवाना, अंकल को मना कर देना कि पैसे ना भेजे, मैं दूंगा तेरे भाई पे जितना खर्चा लगेगा मैं करूंगा, तू यार मेरी सहायता कर। तूने कहा भैया कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको ऐसे? तूने कहा यार तनख्वाह से क्या होता है, तो अरे अब आप जब नए नए स्कूल पास आउट होते हैं तो आप में देशभक्ति की भावना हिलोरे मारती है, अपने भ्रष्टाचार के लेख कई याद किए हुए थे। और मैंने कहा आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा भ्रष्टाचार नहीं है शिष्टाचार है। ये होता है यार थोड़ा बहुत यूं होता ही है ऊपर नीचे, उसमें क्या। और मैंने उनको पूरा यूं भाषण दे दिया, मगर देश को खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं है, अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे देश को खतरा है, देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहे हैं ये लोग, दीमक की तरह। नाना पाटेकर बनाम उनके साथ, उन्होंने कई इधर वो कूल है एकदम वैसे, उन्होंने कई इधर मेरी बातें सुनी, और बातें सुन के जाते जाते जब खड़े होकर जाने लगे तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरे, उनका राजवीर तुम अभी टॉपर है, तू नहीं जानता लेख में की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। मुझे लगता है आजकल तो लेख में महंगी और हो गई होगी, है ना, तो फिर लफड़ा हो जाए भाई। तो इस चक्कर में भ्रष्टाचार करने पड़ते हैं, इसलिए किसी ना किसी एक महिला को क्या बनना पड़ेगा, हीरा दे मत को केवल चाकू लेके पीछे ही भाग ले, गली में दौड़ा ले इतना ही खूब है, उसके बाद ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा अपने आप में। चलो।